पिछले 24 घंटे में टेम्परेचर जो मैक्सिमम है उसमें कुछ कमी आई है, करीब करीब 2 डिग्री के आसपास कम हुए हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ है। जैसे आप देख रहे होंगे कि उसका असर भी देखने को मिल रहा है, बादल हैं और हाई रिचेज पे हल्का कुछ स्नोफॉल भी, बहुत हाई रिचेज भी हो रहा है, तो उससे मैक्सिमम टेम्परेचर में फर्क पड़ा है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में कोई ज्यादा असर नहीं है। और जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है सामान्य से। जो मिनिमम टेम्परेचर अगर प्रदेश की बात करें तो करीब 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है सामान्य से, जितने होने चाहिए थे। और अधिकतम तापमान में भी 6.2 के आसपास जो है बढ़ोतरी है, कि सामान्य से इतने ज्यादा है। तो दोनों टेम्परेचर लगभग जो है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है सामान्य से। अभी अभी आज और कल में पश्चिम विक्षोभ है, इसका असर देखने को मिलेगा, और इससे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें कुछ कमी आ सकता है और आने वाले 24 आवर्स में। उसके बाद फिर से टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगा, और फरवरी के एंड में संभावना है कि एक पश्चिम विक्षोभ और इसी तरह का आएगा, तो उससे फिर कुछ जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आएगी। दो 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 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि पश्चिम विक्षोभ जो है ज्यादातर जो है वो कन्फाइंड रहे जेएन की है, और बिल्कुल उसके साथ के जिले लगते हैं। इसमें लाहौल स्पीति है, कांगड़ा है, चंबा है, इन्हीं इलाकों में उसका ज्यादा असर रहा। कुछ कुल्लू के भी एरियाज आपने देखे होंगे, शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर, इन जगह पे स्नोफॉल काफी कम रहा है इस साल। देख जो पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल में काफी ज्यादा अच्छा स्नोफॉल इस पॉकेट्स में देखने को मिला, इस साल नहीं है। तो एक तो ये कारण है कि टेम्परेचर इस पूरे एरिया में ज्यादा है। सोलन भी आप देख रहे हैं तो काफी ज्यादा टेम्परेचर, शिमला का ऑलरेडी ज्यादा है, शिमला में 0 स्नोफॉल अभी तक हुआ है। हल्का स्नोफॉल हमें थोड़ा देखने को मिला है 6 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन उसके बाद स्नोफॉल नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेन वजह तो ये है कि पश्चिम विक्षोभ जो आए हैं वो बहुत कन्फाइंड रहे, बहुत कुछ कुछ ही पॉकेट्स में वो उनका असर देखने को मिला। और थोड़ा सा ये भी हुआ कि थोड़ा हायर रिचेज भी जाते रहे, क्योंकि कुछ जो सर्कुलेशन था, हवाओं की दिशा थी, वो भी उनको थोड़ा सा नॉर्थवर्ड जो है, एक्सट्रीम नॉर्थवर्ड जो है धकेल रहे थे। जैसे कुछ एंटी साइक्लोन बना हुआ था, अभी भी एंटी साइक्लोन है अभी अरेबियन सी में, तो उसका असर भी हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने में।